इस साल की बहुत चर्चित फिल्म सरदार उधम सिंह को भारत की उन 14 फिल्मों में शॉर्टलिस्ट किया गया था जो 94 ऑस्कर में फॉरेन कैटेगरी में इंडिया की तरफ एंट्री के तौर पर भेजी जानी थी, लेकिन खबर आई कि इसे भेजने से 15 जूरी के पैनल ने इनकार कर दिया है। इनकार करने की ऐसी वजह गिनवाई गई जिसे सुनकर फैंस ने बवाल काटना शुरू कर दिया और शायद आपको भी अटपटा लगेगा। 15 सदस्यों वाली जूरी के पैनल में शामिल इंद्रनील दासगुप्ता ने कहा कि यह फिल्म इसलिए नहीं भेजी गई क्योंकि एक तो ये बहुत लंबी है और जलियांवाला कांड पर बनाई गई है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक हीरो पर इतनी बड़ी फिल्म बनाना अपने आप में एक ईमानदार कोशिश है, लेकिन ये एक बार फिर से ब्रिटिशर्स के प्रति हमारी नफरत को प्रोजेक्ट करता है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में ऐसी नफरत को पाली रखना ठीक नहीं है। अब आप एक पल के लिए ठहरिए और सोचिए कि भारत का ही कोई शख्स ये बात कैसे कह सकता है। क्या जलियांवाला बाग जैसा नरसंहार भुलाया जा सकता है? क्या इस नरसंहार के लिए कभी भी ब्रिटिशर्स को माफ किया जा सकता है? जलियांवाला बाग नरसंहार में एक इशारे पर करीब 1000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और करीब 1500 लोग घायल भी हुए थे। कितनी मांगे उजड़ी, कितने यतीम हुए और कितने घर बर्बाद हो गए। जलियांवाला बाग नरसंहार की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाइए जिसने भारतीय स्वाधीनता संग्राम को एक नई दिशा दी, देश में कई क्रांतिकारी पैदा किए और सरदार उधम सिंह ने इस नरसंहार के जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारी को मारकर बदला लेने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और अपनी जिंदगी का मकसद ही इस घटना का बदला लेना बना दिया। क्या हम उसे भूल जाएं? ऑस्कर कोई छोटा मंच नहीं है, यहां दुनिया भर से फिल्में आती हैं, सिनेमा जगत से जुड़े लोग आते हैं। अगर सरदार उधम सिंह ऑस्कर में भेजी जाती तो हो सकता है कि आज सारी दुनिया तक हमारी बात पहुंचती। खैर, जलियांवाला बाग से हटकर एक दूसरी ऐतिहासिक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। 2020 में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने ऑस्विट्ज़ मेमोरियल में भाषण देते हुए कहा था कि नाजियों के अपराधों के लिए वो आज भी बेहद शर्म महसूस करती हैं। जर्मनी में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा चलाए जा रहे होलोकास्ट के लिए शर्म और ग्लानी महसूस करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उन गलतियों पर या यूं कहें कि पापों से सबक लिया है। जर्मनी के बड़े शहरों में ऐसी इमारतें, म्यूजियम और सेंटर्स बनाए गए हैं जो होलोकास्ट और एंटी सेमिटिज्म यानी यहूदियों के प्रति नफरत को उजागर करते हैं ताकि लोगों के बीच हमेशा उस दंश की यादें रहें। कई बुद्धिजीवी और फिलोसोफर तो ये तक कहते हैं कि सारी दुनिया को जर्मनी से सीखना चाहिए कि कैसे वो अपने पुराने गुनाहों को याद कर सबक लेते हैं। 1951 में वेस्ट जर्मनी और 1990 में ईस्ट जर्मनी ने इसराइल से हिटलर के गुनाहों के लिए माफी भी मांगी। जर्मनी ने यहूदियों और इसराइल से सिर्फ माफी ही नहीं मांगी बल्कि रिपरेशन भी देने का भी वादा किया। रिपरेशन एक तरह का भुगतान होता है अपनी गलतियों के बदले चुकाने का। रिपरेशन में पैसे, स्कॉलरशिप, कई तरह के सेटलमेंट सब हुए। 1952 में जर्मनी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए और अगले 14 सालों तक इसराइल को 3 बिलियन मार्क दिए, जो कि आज के वक्त में अगर आप अंदाजा लगाएं तो 52,460 करोड़ के आसपास है और अब तक रिपरेशन का सिलसिला जारी है। लेकिन पैसे से ज्यादा मायने रखता है जर्मनी के पश्चाताप का वो भाव जो उसे आज तक शर्मसार करता है और आज तक वो क्रूरता के लिए माफी मांग रहा है। शशि थरूर की ऑक्सफोर्ड यूनियन की वो स्पीच याद कीजिए जिसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स को उनके राज के दिनों की याद दिलाई थी। शशि थरूर ने कहा था कि 200 सालों तक हर साल 1 पाउंड सांकेतिक माफी के तौर पर पाकर भी खुश रहूंगा। हालांकि भारत आज तक ब्रिटेन से जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए माफी का इंतजार ही कर रहा है। जलियांवाला बाग कांड के 100 साल होने पर पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने गहरा दुख जरूर जताया, लेकिन ब्रिटेन ने आज तक इस घटना के लिए आधिकारिक तौर पर माफी कभी नहीं मांगी। एक प्रसिद्ध कहावत भी है,
कि अगर आप अपने अतीत से जितना भागोगे वो उतना ही आपका पीछा करता रहेगा। जो ब्रिटेन इसी ग्लोबलाइजेशन के जमाने में गहरा दुख जताता है लेकिन माफी नहीं मांगता है, क्या सारी दुनिया के सामने उसके काले कारनामे की कहानी कहने का हक भारत को नहीं है? यह सवाल हर भारतीय के मन में है जो सरदार उधम सिंह जिंदाबाद कहता है, जलियांवाला बाग कांड याद करके सिहर उठता है। ताज्जुब की बात तो यह है कि एक भारतीय ही यह कह रहा है कि अंग्रेजों के प्रति नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसीलिए सरदार उधम सिंह फिल्म ऑस्कर में नहीं भेजी गई।